हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ के मोमेंट्स के फोर्थ चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिवली। लेकिन राजा ने मंत्री से परामर्श किया और निर्णय दे दिया। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। वो कह रहा है इट्स ट्रू, यह सत्य है। योर फादर इज द ट्रू मर्डरर कि तुम्हारे पिता जी ही असली हत्यारे हैं। ही डेड, वे मर चुके हैं। बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। लेकिन उनके स्थान पर किसी को तो दंडित किया जाना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तुमने अपने अपराधी पिता से सब कुछ पैतृकता में पाया है। He riches as well as his sins. उसकी संपत्ति और साथ ही उनके पाप भी। I knew at once, मैं तुरंत जान गया। Even when I first set eyes on you, कि मैं तुरंत जान गया था कि तब ही जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। That you were at the root of this horrible crime, you must die. कि तुम ही इस भयानक अपराध के मूल में हो, यानी इस अपराध के तुम मूल में हो। You must die, तुम्हें अवश्य मरना पड़ेगा। And he ordered, और उसने आदेश दे दी। किसने? राजा ने। अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन, और फांसी के लिए एक नई सूली तैयार करने का आदेश दिया। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्राइम। जब नौकरों ने सूली को तेज किया और अपराधी की अंतिम सजा के लिए तैयार किया। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर डैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थीन टू बी प्रॉपरली एक्सक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो मंत्री को लगा कि धनी व्यापारी ठीक से सूली पर फांसी देने के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, यानी उतना मोटा नहीं है। ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस। उसने राजा का ध्यान इस ओर दिलाया। द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा इस विषय में चिंतित हुआ। व्हाट शैल वी डू। हम क्या करें। ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्टक हिम। जब अचानक उसके दिमाग में आया दैट की ऑल दे नीडेड टू डू वॉट टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट टू द शेक। कि जो उन्हें करना है वह इतना मोटा आदमी तलाशना है जिस पर फंदा ठीक आए। द सर्वेंट वर इमिडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। नौकरों ने तुरंत सारे शहर में भेजा गया ऐसे आदमी की तलाश में जिसे फंदा सही आ सके। एंड देयर आई फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फेटन हिमसेल्फ फॉर माउस ऑन बनाना एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और उनकी दृष्टि
उस शिष्य पर पड़ी जो महीनों तक केले और चावल और गेहूं और घी खा खा कर मोटा हो गया था। यानी कि लास्ट में उन नौकरों का ध्यान या निगाह ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो महीनों से केले चावल और गेहूं और उसके साथ साथ घी खा खा कर मोटा हो गया था। What have I done wrong? I am innocent. I am sannyasi, he cried. उसने वह चिल्लाया, What have I done wrong? मैंने क्या गलत किया या मैंने क्या गुनाह किया है? I am innocent. मैं निर्दोष हूँ. I am sannyasi. मैं एक सन्यासी हूँ. That may be true. यह सच हो सकता है, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. लेकिन यह राजसी निर्णय है कि हम इतने मोटे ताजे आदमी को तलाशे जिसे फंदा ठीक बैठे। They said, उसने कहा, and carried him to the place to execution, और उसे फांसी देने के स्थान पर ले गए। He remembered his wise guru's word, उसे अपने बुद्धिमान गुरुजी के शब्द याद आए। This is a city of fools, यह मूर्खों का शहर है। You don't know What they will do next? तुम्हें नहीं पता कि वे इसके बाद क्या करेंगे। तुम्हें नहीं पता कि इसके बाद क्या करेंगे। While he was waiting the death, जब वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, he prayed to his guru in his heart. उसने अपने मन में अपने गुरु की प्रार्थना की, asking him to hear his cry wherever he was. उसने प्रार्थना की यह कहते हुए कि वे जहाँ कहीं भी हो उसका रोना धोना सुन लें। The guru saw everything in a vision. गुरु जी ने सब कुछ स्वप्न में देखा। He had magic power. उनमें जादुई ताकत थी। He could see far. वे दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वे भविष्य भी देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और वे वर्तमान और भूत भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू द सेव हिज डिसिपल, वे तुरंत शिष्य को बचाने के लिए वहाँ गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन टू सच स्क्रेप दो लव ऑफ फूड, जिसने खुद को खाने के प्रेम के चक्कर में ऐसी मुसीबत में डाल लिया था। As soon as he arrived, जैसे ही वे आए, he scolded the disciple, उसने शिष्य को डांटा, and told him something in a whisper, और उसे फुसफुसाकर कुछ कहा, या धीरे शब्दों में कुछ कहा। Then तब He went to the king and ordered him. तब वे राजा के पास गए और उसे संबोधित किया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान, हु इज ग्रेटर, कौन अधिक बड़ा है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या शिष्य। आप कोर्स द गुरु, निश्चित रूप से गुरु बड़ा है। No doubt about it, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है। Why do you ask? आप क्यों पूछ रहे हैं? Then put me to the stake first. तब मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ। Put my disciple to death after me. मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी लगाना। यानी गुरु क्या कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो उन्होंने कहा कि आप हैं। तो गुरुजी ने कहा,
तो पहले मुझे फांसी चढ़ाओ और उसके बाद मेरे शिष्य को फांसी चढ़ाओ। When the disciple heard this, जब शिष्य ने यह सुना, he understood, वह समझ गया, and began to clamor, और तेज तेज चीखना शुरू कर दिया। Me first, मुझे पहले, you brought me here first, आपने मुझे पहले यहाँ लाया है। Put me to death first, not him, पहले मुझे मृत्यु की सजा दीजिए, बाद में उन्हें देना। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. गुरुजी तथा शिष्य अब इस बात पर लड़ पड़े कि कौन पहले जाए। The king was puzzled by the behavior. राजा इस व्यवहार के चक्कर में पड़ गए। He asked the guru, उसने गुरु से पूछा, Why do you want to die? आप मरना क्यों चाहते हैं? We choose him because we needed a fat man for the stake. हमने इसे इसलिए चुना क्योंकि हमें फांसी के लिए एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। You should ask me such questions, put me to death first, replied the guru. आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, मुझे पहले फांसी पर चढ़ा दो, गुरु ने उत्तर दिया। Why, क्यों? There some mystery here, यहाँ कोई रहस्य है। As a wise man, you must make me understand, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपको मुझे अवश्य समझाना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, यदि मैं आपको बता दूं। गुरु क्या कह रहे हैं राजा से, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, यदि मैं आपको बता दूं तो क्या आप मुझे पहले मृत्यु दंड देने का वादा करते हैं? The king gave him his solemn word. राजा ने उसे पक्का वचन दिया। The guru looked him aside. गुरु जी उसे एक ओर ले गए। Out of the servants, नौकरों से दूर, earshot, and whispered to him, और उनके कान में फुसफुसाकर कुछ कहे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि हम एकदम अभी क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों में से, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम संसारा संसार घूमे हैं लेकिन हमने इस जैसा नगर या आप जैसा राजा कभी नहीं देखा है। दैट स्टिक इज द स्टिक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, यह फंदा न्याय के देवता का फंदा है। इट्स न्यू, यह नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर कोई अपराधी को फांसी नहीं चढ़ाया गया है। Whoever dies on it first, यानी जो भी इस पर पहले मरेगा, will be reborn as the king of this country, और वह पुनर्जन्म इस देश के राजा के रूप में होगा। And whoever goes exact will be the future minister of this country, और जो भी कोई इसके बाद जाएगा या मरेगा वह इस देश का भावी प्रधानमंत्री होगा। We are sick of our ascetic life, और हम अपने तपस्वियों जैसा जीवन से उब गए हैं, हम अपने तपस्वियों वाले जीवन से उब गए हैं। It would be nice to enjoy,
आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए भाई, और कुछ समय के लिए राजा और मंत्री के रूप में आनंद लेना हमारे लिए अच्छा होगा। नाउ कीप योर वर्ड, आप अपना वचन निभाए माय लॉर्ड मेरे स्वामी, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु की सजा दें। मी फर्स्ट रिमेम्बर, मुझे पहले याद रहेगा ना। राजा क्या कर, वो गुरु क्या कर, मी फर्स्ट, मुझे पहले, रिमेम्बर, याद रहेगा ना। द किंग वॉच नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, राजा अब गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह राज्य को जीवन के अगले चक्र में किसी और को नहीं देना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन, इसलिए उसने फांसी की सजा रोक दी टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। इसलिए राजा ने उस फांसी की सजा अगले दिन के लिए रोक दी। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जन्म में राज औरों को दे दिया जाए, यह अच्छा नहीं है। राजा वो क्या सोचता है, हमारे लिए यह अच्छा नहीं है कि अगले जन्म में राज औरों को दे दिया जाए। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, हम दोनों स्वयं फांसी पर चढ़ जाएं और हमारा पुनर्जन्म फिर से राजा और मंत्री के रूप में होगा। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, पवित्र व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलते या झूठ नहीं बोलते, पवित्र व्यक्ति झूठ नहीं बोलते। ही सेड, उसने कहा, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री राजी हो गया, और मंत्री राजी हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उसने जल्लादों से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात अपराधियों को भेजेंगे। वेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसे पहले फांसी चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, तब दूसरे व्यक्ति के साथ भी वैसा करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, यह मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी गलती मत करना, या कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, यानी उस रात राजा और मंत्री चुपचाप कारागार में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, और उसने गुरु जी और शिष्य को मुक्त कर दिया। डिसगाइज देमसेल्व्स एज द टू एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विद द लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द सिक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और अपने आप उस दोनों का वेश बनाया, और जैसे ही पहले को राजसी सेवकों के साथ तय था, उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया गया और तुरंत फांसी दे दी गई। When the bodies were taken down to be thrown to crown and vultures the people panicked, जब मृत शरीरों को कौओं तथा गिद्धों के आगे फेंकने को उतारा गया, तो लोग भयभीत हो गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister, कि उनके सामने राजा और मंत्री के शव देखे। The city was in confusion, नगर में भ्रम की स्थिति बन गई, या उस शहर के लोग भ्रमित हो गए। All night, पूरी रात, they mourned and
डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, यानी सारी रात वे शोक मनाते रहे और अगले राज्य के भविष्य के विषय में विचार विमर्श करते रहे। सम पीपुल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कट ऑफ विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। कुछ लोगों को अनायास गुरुजी और शिष्य का ध्यान आया और उन्हें पकड़ लिया जब वे चुपचाप नगर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपुल नीडेड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, यानी हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है। हम लोगों को एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है, सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे लोग सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और उन्होंने गुरुजी तथा शिष्य से अपना राजा व मंत्री बनने की प्रार्थना की। इट डिडंट टेक मेनी आर्गुमेंट टू परस्यूड द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु। उन्होंने गुरुजी तथा शिष्य से अपना मंत्री, राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की। शिष्य को मनाने में अनेक तर्क वितर्कों की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन गुरुजी को मनाने में अधिक समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग, वे अंततः मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य पर शासन करने को इस शर्त पर सहमत हो गए। एंड सिली मिनिस्टर, और मुख्यमंत्री के राज्य पर शासन करने को इस शर्त पर सहमत हो गए, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि हम पुराने सारे कानून बदल देंगे, कि हम पुराने जितने भी कानून हैं सभी को हम बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, यानी तब से, नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, और रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन हो गए। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुड्डू, और आप एक डुड्डू में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते थे। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, या अन्य किसी स्थान के जैसा हो गया। या लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।